हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टोटल ज्ञान। मैं हूं तनवीर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वन प्लस सिक्स, जो कि अभी हाल ही में वन प्लस ने लॉन्च किया है इंटरनेशनल मार्केट में। उन्होंने 16 मई को लॉन्च किया एंड इंडिया में भी उन्होंने नेक्स्ट डे 17th, जो IST टाइमिंग के हिसाब से उन्होंने 17 मई को लॉन्च कर दिया है इंडिया में भी वन प्लस सिक्स। सो हम इस वीडियो में उसके बारे में जानेंगे कि कैसे वो वन प्लस फाइव और वन प्लस 5T, जो कि उन्होंने लास्ट ईयर लॉन्च किया था, उसके कंपैरिजन में क्या कहाँ स्टैंड कर रहा है वन प्लस सिक्स, और क्या जिस प्राइस रेंज पे उन्होंने इंडिया में लॉन्च किया है, क्या वो वर्थ इट है उस प्राइस रेंज में कंज्यूमर को या हम आम पब्लिक को ख़रीदने के लिए वो वर्थ इट मोबाइल है कि नहीं। तो ये इस वीडियो में हम जानेंगे और मैं अपने कुछ पर्सनल ओपिनियन दूंगा एट द एंड ऑफ द वीडियो इस वन प्लस सिक्स मोबाइल जो उन्होंने लॉन्च किया हाल ही में। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। सो गाइस, वन प्लस फाइव जो लास्ट ईयर उन्होंने वन प्लस ने लॉन्च किया था समवेयर अराउंड जून जुलाई मंथ में, उन्होंने लास्ट ईयर 2017 में लॉन्च किया था वन प्लस फाइव, जो कि इवन मैंने भी परचेस किया था वन प्लस फाइव, क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छा लगता था वन प्लस के डिवाइसेस। वन प्लस थ्री से जब मैं बोलूँ वन प्लस थ्री से जब उन्होंने लॉन्च करना शुरू किया तो उनके डिवाइस काफ़ी इम्प्रूव्ड थे एक्चुअली पुराने वर्जन से, वन प्लस वन या वन प्लस टू से। तो वन प्लस फाइव मेरे को अच्छा लगा एंड मैं अपग्रेड कर रहा था, तो मैंने वन प्लस फाइव चूज़ किया। हालांकि वन प्लस फाइव टी एट द ईयर एंड उन्होंने लॉन्च कर दिया, जो कि इट वॉज़ अ बेटर लाइक अपग्रेडेड वर्जन ऑफ वन प्लस फाइव था, क्योंकि उसमें थोड़ा स्क्रीन उन्होंने बेजल लेस दे दी थी। वन प्लस फाइव में थोड़ा बेजल थे, ऊपर में बेजल आपको आते हैं, नीचे में बेजल आते थे, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया था। कैमरा में कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा चेंज कर दिया था वन प्लस फाइव टी में, तो उन्होंने फाइव टी बोल के लॉन्च कर दिया था ईयर एंड में 2017 में। और अब उन्होंने इन द मंथ ऑफ मे 2018 उन्होंने वन प्लस सिक्स लॉन्च किया है इंटरनेशनली भी, इंडिया में भी लॉन्च हो चुका है। 22 मई से amazon.in पे आप इंडिया में ख़रीद सकते हैं, अवेलेबल सेल स्टार्ट हो रही 22 मई से। तो पहली चीज़ ये मैं आपको बता दूं कि वो जो स्टार्ट हो रहा है वन प्लस सिक्स, स्टार्टिंग प्राइस उसका है 34,999, यानी कि ऑलमोस्ट 35,000। इट्स 35,000 35,000 का फ़ोन है स्टार्ट होता है, जो कि 6 GB रैम के साथ आएगा और 64 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आएगा। अगर आप 8 GB रैम मॉडल लेंगे तो वो आपको करीब करीब पड़ जाएगा 39,999 का आई गेस। तो मतलब ऑलमोस्ट 2,000 का उन्होंने प्राइस हाइक किया कंपेयर टू 5 या 5T से अगर आप कंपेयर करते हैं। तो 5T और 5 दोनों ही स्टार्ट हो रहे थे 32,999 से, यानी 33,000 में आपको 6 GB रैम का मॉडल मिल जा रहा था। तो कि 33 से अभी उन्होंने 35 पे जंप कर दिया, 2,000 का उन्होंने इंक्रीज़ किया प्राइस में वन प्लस सिक्स में। तो अभी हम ये जानेंगे कि वन प्लस सिक्स में क्या वो 2,000 का जो प्राइस हाइक है क्या वो वर्थ इट है या नहीं है, और अपने सेगमेंट में जिस प्राइस रेंज में भी वो पहुंच गया है वन प्लस, क्या वो उस रेंज में अपना डिवाइस इस लेवल का दे पा रहे हैं जो कि कॉम्पीट कर सकें अदर मैन्युफैक्चरर्स से। अगर हम सैमसंग लें या पिक्सल, गूगल के पिक्सल ही ले लो आप, पिक्सल 2 हो गया, उससे कॉम्पीट कर पाएंगे क्या? क्योंकि उनकी प्राइसिंग भी ऑलमोस्ट पिक्सल 2 एक्सेल वगैरह जो लास्ट ईयर के मोबाइल्स हैं उनकी प्राइस भी ऑलमोस्ट 40 में आ चुकी है, 40s में या बिलो 40 भी आपको कुछ ऑफर वगैरह लगा के मिल जाएंगे। तो क्या वो कॉम्पीट कर सकता है लास्ट ईयर के उन फ़ोन्स से भी जो कि मार्केट के ऑलमोस्ट लीडर्स हैं, गूगल सैमसंग के फ़ोन्स जो कि ऑलमोस्ट बेस्ट माने जाते हैं, क्या उनसे कॉम्पीट कर पाएगा वन प्लस? सो लेट्स सी कैसे कंपेयर होता है वन प्लस। पहले तो हम कंपेयर करेंगे वन प्लस 5T या 5 से वन प्लस सिक्स को। तो पहली चीज़ जो आती है कि बिल्ड क्वालिटी, जो फिज़िकली आप अगर उसको हाथ में लेंगे तो फिज़िकली क्या आपको चेंजेस नज़र आएंगे वन प्लस सिक्स और वन प्लस फाइव या 5T के में, कि में जो चेंजेस हैं, जो पहला चेंज आपको नज़र आएगा जो पकड़ते ही या देखते ही, कि बैक साइड जो पहले मेटालिक होता था वन प्लस फाइव या 5T में, अब वो ग्लास बैक है। इट्स अ ग्लास बॉडी, पीछे भी ग्लास आएगा, गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोडक्ट ग्लास आएगा पीछे में, और मिरर फिनिश काइंड ऑफ दिखेगा आपको। लेकिन उसमें भी उन्होंने वेरियंट निकाले, मिरर ब्लैक हो गया या मैट ब्लैक हो गया, लेकिन वो ग्लास बॉडी है। एंड सेकंड चेंज जो है, उन्होंने कैमरा का डुअल कैमरा सेटअप जो यहाँ पर टॉप
लेफ्ट कॉर्नर पे होता था उसे उन्होंने सेंटर पे ला दिया, वर्टिकल पोजीशन कर दिया, पहले हॉरिजॉन्टल था डुअल सेटअप, अब वो वर्टिकल यहाँ बीच में आएगा। एंड देन जो फिंगरप्रिंट सेंसर OnePlus 5 में यहाँ सामने होता था, 5T में उन्होंने पीछे मूव कर दिया था सर्कुलर, वो अब काइंड ऑफ एलिप्टिकल आप बोल सकते हो, मोर ऑफ अ जैसा OnePlus 5 में यहाँ पे फ्रंट में होता था, सेम उसी ऑलमोस्ट उसी शेप का सेंसर यहाँ पे आपको मिलेगा OnePlus के लोगो के जस्ट ऊपर, वर्टिकल पोजीशन जो होगा डुअल सेटअप कैमरा का उसके जस्ट नीचे में, तो वहाँ वो एक फिजिकली आपको क्विक चेंज नज़र आएगा। उसके साथ उन्होंने स्लाइडर, जो कि स्लाइडर अलर्ट बटन यहाँ पे लेफ्ट साइड पे होता था, लेफ्ट साइड में फ़ोन के, वो उन्होंने राइट साइड पे मूव कर दिया जस्ट अबव द लॉक बटन, लॉक बटन के ऊपर में आपको स्लाइडर अलर्ट आ जाएगा, जिससे कि आप अपना आप चेंज कर पाते थे मोड, वाइब्रेट मोड रखना है, कीरिंग का मोड रखना है, कि साइलेंट मोड करना है, कि डू नॉट डिस्टर्ब, जो भी है, तीन मोड में वो चीज़ स्लाइडर बटन अलर्ट बटन यहाँ पे मूव हो गया राइट साइड पे। एंड यहाँ पे आपको रॉकर आ जाता है लेफ्ट साइड पे, OnePlus 6 में भी वॉल्यूम रॉकर एंड सिम एजेक्टर के लिए यहाँ पे सिम स्लॉट आएगा OnePlus 6 में, जो कि अभी यहाँ पे राइट साइड पे है OnePlus 5 में, वो वहाँ OnePlus 6 में इस साइड मूव करिए, दैट्स इट, और कोई मेजर चेंज नहीं है। हाँ, द फ्रंट साइड की जब आप बात करते हैं, तो फ्रंट साइड में OnePlus 6 में OnePlus 5T ऑलमोस्ट बेजललेस था, बेजल्स ये जो ब्लैक बेजल्स हैं ऊपर ये नहीं थे, ऑलमोस्ट नियर बेजल था, एकदम नॉमिनल था, बहुत कम बेजल था ऊपर, वो भी अब हट गया है, नॉच आ गया है, जैसे कि आपने iPhone 10 में देखा होगा, या iPhone X आप बोल लीजिए जो आप जो बोलते हैं, उसमें आपने देखा होगा यहाँ पे छोटा सा नॉच रहता है और पूरा स्क्रीन रहता है, तो उस टाइप का डिज़ाइन उन्होंने OnePlus 6 में दिया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीन टू बॉडी रेशियो अचीव कर पाए, तो इट्स 19:9 का रेशियो है एस्पेक्ट रेशियो जो स्क्रीन का OnePlus 6 का है, तो वो चेक मेन चेंज है, सामने आपको स्क्रीन ऑन करते ही नज़र आएगा। एंड सारे से अवेलेबल सारे सेंसर, सारे जो कैमरा सब कुछ उस छोटे से नॉच में उन्होंने एडजस्ट कर लिया है, तो दैट इज़ वन बिग चेंज। लेकिन हाँ, रेजोल्यूशन की बात करें तो इट्स स्टिल इट्स अ फुल HD+ है रेजोल्यूशन, स्क्रीन अभी भी फुल HD+ है, इट्स क्वाड HD नहीं किया है उन्होंने, तो एक वो मेरे हिसाब से एक डाउन साइड है फॉर मी, एटलीस्ट फॉर मी, मेरे ओपिनियन में वो एक डाउन साइड है, क्योंकि उसका प्राइजिंग के हिसाब से बढ़ता जा रहा है, बट उन्होंने अपना स्क्रीन अभी भी क्वाड में चेंज नहीं किया है, तो दैट इज़ समथिंग डिफरेंट। बट आई एम नॉट, मैं ये नहीं बोलता कि स्क्रीन उनकी ख़राब है, स्क्रीन क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, मतलब इमेजेस या आपको जो भी आप गेम खेलो या इमेजेस देखो, वो कलर रिप्रोडक्शन बहुत ही अच्छे से आता है, फुल HD स्क्रीन भी है, लेकिन आपको फील नहीं आया कि इट्स फुल HD, थोड़ा सा आपको फिर कोई नॉर्मल होगा इंसान तो इट्स वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाया कि उसको स्क्रीन को देख के कि क्वाड HD है या नहीं है, इतना एक अच्छा स्क्रीन है, मैं ये बोलूँगा इनका फुल HD+ जो है, लेकिन हाँ, बट ओवरऑल स्पेक्स की बात करें तो क्वाड HD नहीं है। ये तो बात हो गई आपकी फिजिकल ओवरव्यू बिल्ड क्वालिटी की, एंड हाँ वन मोर थिंग, हेडफोन जैक OnePlus 6 में भी उन्होंने प्रोवाइड किया है, अभी तक रिमूव नहीं किया है, सो दैट इज़ ऑल्सो स्टिल देयर, बाकी तो सेम ही है फिजिकल ओवरव्यू बॉडी साइज में। हाँ, बट वन मोर डाउन साइड जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ग्लास बैक आ रहा है OnePlus 6 में, तो शायद वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करे, वो नहीं है, देर इज़ नो सपोर्ट ऑफ वायरलेस चार्जिंग एज ऑफ नाउ, अभी तो कोई वर्ड्स नहीं कंपनी की तरफ से, इन फ्यूचर अगर शायद वो OnePlus 60 के मॉडल में लॉन्च करें एट द एंड ऑफ ईयर, एंड ईयर एंड में शायद कुछ नया लॉन्च करें 60 उसमें आए, तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट अभी तो 6 में नहीं है वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट। नाउ अब बात करते हैं हम कुछ स्पेसिफिकेशंस की, जो हार्डवेयर स्पेसिफिकेशंस है उसकी बात करते हैं। तो OnePlus 5T में स्नैपड्रैगन का Qualcomm 835 प्रोसेसर था, राइट, लेकिन अभी OnePlus 6 में उन्होंने लेटेस्ट प्रोसेसर जो 845 है स्नैपड्रैगन का क्वालकॉम की तरफ से, वो प्रोसेसर उन्होंने लेटेस्ट प्रोसेसर जो कि मार्केट में है स्नैपड्रैगन का हायर एंड, वही 845 चिपसेट लगा हुआ है, लग के आएगा, प्लस आपको 6 GB रैम का ऑप्शन आ रहा है या 8 GB रैम का ऑप्शन आ रहा है, और स्टोरेज आपको मिल जाएगा 64 GB से स्टार्ट हो रहा है, 64 GB वेरियंट मिलेगा इंटरनल स्टोरेज, 128 GB मिलेगा आपको, 256 GB इंटरनल स्टोरेज भी ऑप्शन मिलेगा, ये तो ये तीन ऑप्शन उन्होंने स्टोरेज में दे दिया है आपको। एंड इसके अलावा बात करते हैं
कि हाँ, तो फिंगरप्रिंट सेंसर आपको बैक साइड पे मिल रहा है, प्लस आपको फेस अनलॉक भी मिलेगा जो कि कैरी फॉरवर्ड फीचर ही है वन प्लस फाइव टी से बोलूँ तो। एक्चुअली 1+5T में पहले लॉन्च हुआ था एंड देन 1+5 में भी अपडेट बाद में मिल गया था, लेकिन 1+5T में उन्होंने फर्स्ट टाइम फेस अनलॉक दिया था, तो कि 1+5 1+6 में भी वो फीचर एज इट इज़ कैरी फॉरवर्ड हुआ है। तो फेस अनलॉक का आपको फीचर मिलेगा, आपको फिंगरप्रिंट अवेलेबल है। एंड हाँ, द नेक्स्ट जो मेजर स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करने वाला हूँ वो कैमरा का है, जो कि कैमरा है 1+5T से अगर मैं कंपेयर करूँ, 5 को आप साइड में रख दीजिए क्योंकि 5 का जो डुअल सेटअप था कैमरे का जो मेरे हाथ में अभी है, 1+5 है, तो इसका जो डुअल सेटअप था इसमें प्राइमरी सेंसर और सेकेंडरी सेंसर में डिफरेंस था। सेकेंडरी सेंसर एक और ये था अप 2x ऑप्टिकल जूम के लिए पर्पज सर्व करता था, लेकिन 1+5T में उन्होंने क्या किया था, उन्होंने वो ऑप्टिकल जूम सेंसर को हटा के उन्होंने सेम फोकल लेंथ का हायर मेगापिक्सल का सेंसर प्लेस किया था सेकेंडरी वाला। जैसे कि अगर आप प्राइमरी सेंसर की बात करें तो वो 16 MP है विथ 1.7, आप 1+6 के बारे में बता रहा हूँ, जो प्राइमरी सेंसर है वो 16 MP का सेंसर है विथ 1.7 फोकल लेंथ। एंड जो सेकेंडरी कैमरा है, सेकेंडरी लेंस बोल लीजिए आप, जो सेकेंडरी लेंस है वो 20 MP 20 MP का है एंड उसका भी फोकल लेंथ सेम है, 1.7 ही है। सो इट्स लाइक वो उनका ये कहना, वन प्लस का ये कहना है कि दोनों का फोकल लेंथ सेम रख के वो बेसिकली ये अचीव कर रहे हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल कैप्चर कर पा रहे हैं। सेकेंडरी लेंस में 20 MP है कंपेयर टू प्राइमरी, तो और ज़्यादा डिटेल कैप्चर करके फिर उन मल्टीपल फ्रेम्स को एक साथ क्लब करके एक बेटर क्लैरिटी बेटर डिटेल रिप्रोड्यूस कर पाते हैं एक पिक्चर के अंदर। तो उनका ये मेन मोटो था 1+5T में भी कि वो बेटर लो लाइट फोटोग्राफ लेकर आ सकते हैं उस डुअल सेटअप के जरिए। इसलिए उन्होंने अपने 1+5 में जो 2x ऑप्टिकल जूम का फंडा था उनका, उन्होंने वो हटा के ड्रॉप करके आइडिया उन्होंने ये लाया कि जिससे कि लो लाइट फोटोग्राफी को बेटर बनाया जा सके। तो 1+6 में भी सेम चीज़ कैरी फॉरवर्ड हुई है, बट उन्होंने कुछ एग्जैक्ट फिगर तो नहीं बताया है, लेकिन उन्होंने अपने लॉन्च इवेंट में ये बात बोली थी कि प्राइमरी सेंसर जो है 16 MP का 1.7 फोकल लेंथ का, सो उसमें उन्होंने कुछ पिक्सल के चेंजेस किए हैं। इट्स लाइक 1.22 माइक्रॉन का उन्होंने थोड़ा मतलब पिक्सल को बड़ा किया है, तो इसकी वजह से ज़्यादा और डिटेल कैप्चर कर सकते हैं, तो इट विल गिव यू और ज़्यादा डिटेल पिक्चर में निकल कर आएगा, उनका ये ऐसा कहना था। तो वो एक चीज़ चेंज है। एंड सेकंड जो हार्डवेयर चेंज उन्होंने किया है प्राइमरी सेंसर में वो है ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, OIS सपोर्ट दिया है। OIS हार्डवेयर उन्होंने प्राइमरी सेंसर में ऐड किया है जो कि पहले नहीं था, EIS सिर्फ था। तो OIS+EIS का सपोर्ट आपको मिल जाता है प्राइमरी सेंसर में। सेकेंडरी सेंसर में उन्होंने कोई OIS सपोर्ट नहीं दिया सेकेंडरी लेंस में, तो सिर्फ प्राइमरी लेंस में आपको मिलता है। तो ये बात हो गई आपकी बैक साइड के डुअल सेटअप कैमरा सेटअप की। फ्रंट सेल्फी कैमरे की बात करें तो वो अभी भी सेम है, 1+5T में जो 16 MP का कैमरा लेंस था वही है एंड फोकल लेंथ भी आई गेस इट वॉज 2.0, तो वही सेम ही है, वो चेंज नहीं हुआ है, वो अभी वही है। बट हाँ, इस 1+6 के साथ उन्होंने ये प्रॉमिस किया है कि अपकमिंग कपल ऑफ वीक्स में, आने वाले कुछ कपल ऑफ वीक्स में वो सॉफ्टवेयर अपडेट ऐसा देंगे जिससे कि सेल्फी कैमरा भी पोर्ट्रेट मोड सपोर्ट करेगा। अभी वो बेटा वर्जन में टेस्टिंग कर रहे हैं, सो कपल ऑफ वीक्स में वो ऐसा पुश कर देंगे सॉफ्टवेयर 1+6 में जो कि पोर्ट्रेट मोड सपोर्ट कर सकेगा सेल्फी कैमरा में भी। तो दैट इज़ अ प्लस पॉइंट, दैट्स अ गुड थिंग एक्चुअली। एंड ऑब्वियसली डुअल सेटअप पीछे का जो कैमरा है उसमें तो बूके इफेक्ट या पोर्ट्रेट मोड जो भी बोलो वो पहले से भी 1+5 से उन्होंने स्टार्ट किया था, वो 1+5T में भी था, 1+6 में भी है। 1+5 जैसे मैं ये 1+5 यूज़ करता हूँ तो मुझे मालूम है बूके इफेक्ट पोर्ट्रेट मोड में आप अगर फोटो लोगे तो आपको थोड़ा एडजस्टमेंट करने में टाइम जाता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, थोड़ा टाइम लगता है इमेज को सही से इफेक्ट लाने में एंड देन कैप्चर करने में। तो उनका कहना है कि अब वो फास्ट बेटर फास्ट हो गया है कंपेयर
कंपेयर टू वन प्लस फाइव या फाइव टी के पोर्ट्रेट मोड से अभी फास्टर पोर्ट्रेट मोड अचीव कर पा रहे हैं अपने वन प्लस सिक्स में। तो दैट इज़ वन मोर प्लस पॉइंट। सो द देखने वाली चीज़ होगी कि मतलब आने जब उसका टेस्ट टेस्ट करा जाएगा रियल टाइम में, तो कैसा फिगर आउट हो रहा है, पोर्ट्रेट मोड कैसा परफॉर्म कर रहा है, वो देखने वाली बात होगी। एंड देन अपार्ट फ्रॉम दैट, उसके अलावा तो बैटरी सेम डैश चार्जिंग आपको मिलती है, जो कि हाँ आई वुड से इंडस्ट्री में बेस्ट है, क्योंकि मैं वन प्लस फाइव यूज़ कर रहा हूँ। मुझे पता है कि इससे अगर आप 15 मिनट भी आप डेड पे हो, लाइक 2% 1% बैटरी बची है आपके फ़ोन में, आप 15 मिनट प्लग कर लो, आपके पास सफिशेंट चार्जिंग आ जाएगी कि आप अपना आधा दिन या बचा हुआ दिन पूरा निकाल सको। मतलब डैश चार्जिंग इज़ द बेस्ट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट आई एवर सीन इन माई लाइफ टिल नाउ। ना सैमसंग ना गूगल को, नो बडी गिव्स दैट क्लोज फास्ट चार्जिंग, इतना क्विक चार्जिंग कोई नहीं होता। डैश चार्जिंग इज ऑल्सो देयर वन प्लस सिक्स। तो वो चीज़ें तो सेम कैरी फॉरवर्ड हुई हैं पुराने मॉडल से। और कोई स्पेसिफिक चीज़ जो ऐसी है तो वो तो ऐसा कुछ भी नहीं। ऑक्सीजन ओएस है ही उनका सेम स्किन, जो कि बटर स्मूथ होता है एज इट इज़। जैसे कि वन प्लस फाइव में, मेरे को वन प्लस फाइव यूज़ करते हुए ऑलमोस्ट 1 साल हो जाएगा जून जुलाई में, तो इट्स लाइक स्टिल इट्स बटर स्मूथ, मतलब कोई लैग नहीं आता, कुछ नहीं आता। इस मामले में तो मानना पड़ेगा वन प्लस बहुत सही से रैम मैनेजमेंट करता है, बहुत सही से ऑप्टिमाइज़ करता है अपना ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑक्सीजन ओएस जो उन्होंने कस्टमाइज्ड नाम दिया है, वो बहुत ही सही है। मतलब इट्स बटर स्मूथ एक्सपीरियंस है। यूज़र एक्सपीरियंस में तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ है ही नहीं। कैमरा भी क्वालिटी अच्छी है, बट अब पॉइंट ये आता है कि मेन पॉइंट जो मेरे लिए है कि यही वन प्लस फाइव खरीदने के लिए मेरे को 32,999 मैंने इन्वेस्ट किया था, जो कि मुझे थोड़ा सा कॉस्टली लग रहा था उस टाइम में। बिकॉज वन प्लस को जहाँ तक मैं जानता था कि दे वेर लाइक अ ब्रांड जो कि बजट ओरिएंटेड फोन्स निकालते थे विथ हाई स्पेक्स, ताकि इवन अ कॉमन पर्सन, अ कॉमन मैन, कॉमन लाइक एवरेज लाइफस्टाइल पर्सन भी उसको अफोर्ड कर सके। पर धीरे धीरे उन्होंने अपने प्राइस हाइक कर करके उन्होंने 30K क्रॉस कर लिया था वन प्लस फाइव में ही उन्होंने 33,000 का लॉन्च किया। बट स्टिल समहाउ आई कन्विंस माई सेल्फ, मैं अपने आप को, ठीक है इट्स बट वर्थ इट फ़ोन है। बट नाउ अगर आप देखो वन प्लस सिक्स को, तो 35,000 ऑलमोस्ट 34,999 35,000 का उन्होंने वन प्लस सिक्स लॉन्च किया। सो जो प्राइस पॉइंट उन्होंने लॉन्च किया है वन प्लस सिक्स, तो उसको लेके तो मैं थोड़ा सा काइंड ऑफ डिसअपॉइंटेड हूँ, क्योंकि मुझे लगता है 34,999 35,000 का स्टार्टिंग प्राइस थोड़ा सा हाई है, क्योंकि स्क्रीन उन्होंने अभी भी क्वाड एचडी नहीं मूव किया है, स्टिल दे आर ऑन फुल एचडी प्लस 1080p स्क्रीन पे ही हैं वो अभी भी। एंड मैं ये नहीं बोलती स्क्रीन ख़राब है, स्क्रीन अच्छी है, लेकिन स्टिल मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि क्वाड एचडी आ जाएगा वन प्लस सिक्स में। एंड वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट भी उन्होंने अभी तक नहीं दिया है, इवन दो ग्लास बैक कर दिए पर वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट नहीं आया है। एंड ये कुछ चीज़ें हैं जो मिसिंग फीचर्स मुझे लगते हैं ऐसे। एंड सेकंड चीज़, हाँ और एक चीज़ ये है कि हाँ वाटर रेजिस्टेंट वो बोल रहे हैं अपने फ़ोन को, लाइक डेली यूज़ में वाटर रेजिस्टेंट है फ़ोन। हाँ आप स्विम नहीं कर सकते, बट वाटर रेजिस्टेंट है, बट उन्होंने कोई आईपी सर्टिफिकेशन नहीं बताया है फ़ोन के बारे में। तो दैट इज़ ऑल्सो वन मोर पॉइंट टू बी नोटेड, क्योंकि आईपी 6, 7, 6, 8 क्या रेटिंग है Nobody knows. So that is like something just they are saying with their mouth. It's not anywhere stamped that ki ye haan, this is the rating of this phone, IP rating. ये आई दिस मच आई पी सर्टिफाइड फ़ोन वन प्लस सिक्स इट इज़। सो ऐसा कुछ भी नहीं है, उन्होंने कुछ ऐसा बोला ही नहीं, आई पी रेटिंग है ही नहीं उनके हिसाब से, उन्होंने कहीं मैंशन नहीं किया, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं लगता है शायद कि अभी उनका फ़ोन आई पी सर्टिफिकेशन के लिए कैपेबल नहीं है। इसलिए दैट इज़ ऑल्सो वन मोर आई फीचर विच आई फील लाइक इट्स मोर ऑफ अ गेमिंग काइंड ऑफ थिंग, इट्स नॉट ऑफिशियली समथिंग रेटेड। तो दैट इज़ ऑल्सो वन मोर थिंग। हाँ, और जहाँ तक बात है अगर आपको अपग्रेड करना चाहिए या नहीं चाहिए, उसके ऊपर मेरा ओपिनियन ये होगा, अगर आप वन प्लस फाइव या वन प्लस फाइव टी ओन करते हैं
तो आप वन प्लस सिक्स पे आपको अपग्रेड करने का कोई सेंस नहीं बनता, एटलीस्ट फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू कोई सेंस नहीं, क्योंकि इतना कोई मेजर अपग्रेड नहीं आया है। बस स्क्रीन थोड़ा नॉच डाल के, लेटेस्ट ट्रेंड में नॉच ही ट्रेंड जो आजकल चल रहा है, जब से iPhone 10 आया है उसके बाद से नॉच का ट्रेंड जो चल गया है उस वही ट्रेंड फॉलो हो गया है। स्क्रीन अभी वही है, फुल HD प्लस, कुछ चेंज नहीं है। पीछे मेटालिक बॉडी की जगह ग्लास बॉडी आ गया है, एंड कैमरा में थोड़ा इम्प्रूवमेंट कर दिया, OIS सपोर्ट हार्डवेयर ऐड कर दिए हैं। मतलब कुछ ज़्यादा एक्सेप्शनली चेंज नहीं आया कि आप वन प्लस फाइव या 5T को चेंज कर अपग्रेड करो वन प्लस सिक्स में। हाँ, अगर आप OnePlus 3 OnePlus 2 ऑन करते हो तो मैं आई वुड सजेस्ट कि हाँ, अगर आपका बजट है 35-38 तक का, तो आप डेफिनेटली OnePlus 6 पे अपग्रेड करो, इट्स बेस्ट फ़ोन। अब OnePlus 6 मतलब कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं है उसका तो वैसे, अगर आप यूज़र एक्सपीरियंस की बात करो या फीचर लिस्ट की बात करो, स्पेक्स की बात करो, तो उसमें तो बेस्ट है। बट वही थोड़ा अपना जो ब्रांड जो माना जाता था OnePlus प्राइजिंग को लेके, कि वो कम प्राइस में भी, मतलब लिस्ट प्रॉफिटेबल प्राइस पे के पॉइंट पे भी वो हाई टॉप ऑफ द लाइन स्पेक फ़ोन प्रोवाइड करता था यूजर्स को, वो चीज़ें धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ शिफ्ट होती जा रही हूँ। वो उस डेफिनेशन में सेट ब्रांड OnePlus फिट नहीं बैठ रहा है, वो एक चीज़ है मेरे लिए। बाकी तो हाँ, अपग्रेड आप कर सकते, कोई और भी फ़ोन है आपके पास पुराना जो आप अपग्रेड करने का सोच रहे हो, 2-2.5 साल हो गया आपको पुराने अपग्रेड करने का सोच रहे हो, अगर बजट आपका ये है 35-38-40 के अंदर, तो आप डेफिनेटली OnePlus 6 लीजिए, इससे बेस्ट फ़ोन कुछ भी नहीं है। हाँ, आप चाहिए तो देख सकते हैं गूगल Pixel 2 वगैरह के, वो भी जो कि ऑल वो भी इस प्राइस में ऑलमोस्ट आ गया, ऑफ़र वगैरह आप देखोगे अगर अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे तो कुछ ना कुछ ऑफर्स मिल जाएंगे, तो उसके बेस पे भी आप डिसाइड कर सकते हो। बट हाँ, लेकिन अगर अभी लेटेस्ट फ़ोन अगर आपको लेना है तो इस बजट में OnePlus 6 इज़ द बेस्ट, उसका कोई कॉम्पिटिशन नहीं होगा। बट अभी देखने लायक होगा कैमरा कैसा परफॉर्म कर रहा है, उन्होंने अपने इवेंट में तो लॉन्च इवेंट में काफ़ी प्रेस किया है कैमरे को, काफ़ी अच्छे पिक्स भी दिखाए, सैम्पल पिक्स। बट देखने वाली चीज़ होगी कि रियल टाइम में जब उसकी टेस्टिंग की जा रही है, तो कैसे पिक्चर्स निकल कर आ रहे हैं, कैसे फोटोज़ निकल के आ रहे हैं, कैसे वीडियोज़ निकल के आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये भी फीचर ऐड किया स्लो मोशन का, वीडियो आप कैप्चर कर सकते हो OnePlus 6 में, तो ये भी एक एडिशनल फीचर आया है। सो देखने वाली बात होगी कि कितना इफेक्टिव है वो फीचर, कितना यूज़फुल है रियल टाइम में। सो चीज़ें देखना होगा जब टेस्टिंग होती है उसकी। तो दैट्स इट, यही इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ थम्स अप बटन प्रेस कीजिए, एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ भी, और सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया अभी तक मेरा चैनल, तो रेड बटन नीचे सब्सक्राइब का है, आप प्रेस कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको मेरे हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके और आप देख सकें मेरे वीडियो को। सो दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर नाउ, बाय बाय।